कोऑपरेटिव लर्निंग हैज़ द नेम इज़ शॉइंग दैट स्टूडेंट्स लर्न थ्रू कोऑपरेशन एंड स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड दे द टॉपिक इज डिवाइडेड अमंग ऑल स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्क टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन टाइम एंड विद द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है अब ये कोऑपरेटिव लर्निंग जो है इसके मेरिट्स क्या हैं कोपरेटिव लर्निंग जो है ये स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करती है हमें इस कोऑपरेटिव लर्निंग को अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट करके जो है वो पढ़ाना चाहिए कि जब हम स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारे सोसाइटी में सिविल सिविक्स जो सेंस है सिविक सेंस काफ़ी इसलिए कम है कि हम अपने घर को तो साफ करते हैं लेकिन अपने घर का जितना जो है ट्रैश है वो हम स्ट्रीट्स में फेंक देते हैं या हम ये नहीं देखते गाड़ी में अगर खा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर जो जितनी भी रैपर्स हैं वो हम स्ट्रीट्स में फेंक देते हैं या रोड्स पे फेंक देते हैं तो ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग वाला काम है इसमें जो ग्रुप को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना है इसको आप फर्दर सोसाइटी के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह आप अपने ग्रुप की सक्सेस के लिए काम करना है मेरी ये मेरा ये काम बड़ा अच्छा है दूसरे का ये काम अच्छा नहीं है बल्कि कोऑपरेशन सिखाया जाता है इसी तरह से सोसाइटी में आपने अपने घर को साफ करके अपनी स्ट्रीट या अपनी रोड्स को जो है वो गंदा नहीं करना ये सेंस जो सिविक सेंस है ये हम थ्रू टीचिंग और थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो बच्चों को सिखा सकते हैं और इसी तरह से जो स्पेसिफिक टास्क है उन्हें पता है कि इंटायर टीम जो है हमारी पूरा ग्रुप जो है इसने विन करना है एक पर्सन का ये काम नहीं है तो सारे मिलकर फिर उसमें काम करते हैं शेयर करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स जो है वो उसमें शो करते हैं टीम वर्क बेसिकली टीम स्पिरिट पैदा होती है कोऑपरेटिव लर्निंग से और उसके एट प्रिंसिपल्स हैं जिसके साथ कोऑपरेटिव लर्निंग पूरी जो है अपनी एक स्ट्रेंथ के साथ इम्प्लीमेंट की जा सकती है इसमें हाइट्रोजीनीस ग्रुपिंग है और जैसे होमोजीनीस होती है और हाइड्रोजीनीस होती है मुख्तिक मिक्सड एबिलिटी का जब आप ग्रुप बनाते हैं उसमें हर एक बच्चा जो है वो उसका कोई सोशो इकनॉमिक स्टेटस मैटर नहीं करता उसकी कोई हाई इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती उसकी कोई ख़ास स्पीडी वर्क मैटर नहीं करता बल्कि मिक्स एबिलिटी ग्रुप जब हम बनाते हैं तो उसमें हर एक बच्चे की जो एबिलिटी है उससे दूसरे बच्चे जो हैं वो आ, सीखते हैं फिर उसमें जो है टीचिंग कोलाबरेटिव स्किल्स होता है कोलेबरेटिवली कैसे काम करना है बच्चे टीम वर्क सीखते हैं और ग्रुप अटोनमी आती है कि हर एक बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए और अटोनोमसली आपने काम करना है इंडिपेंडेंटली काम करना है उसके बाद मैक्सिमम पीयर इंट्रैक्शन है स्टूडेंट्स का आपस में इंट्रैक्शन होता है सो चीज़ें वो सीखते हैं एक दूसरे के बारे में जानते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट है कि कोई भी हमारे ग्रुप का मेंबर जो है वो इसको प्रेजेंट कर सकता है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है कि भाई हर एक बंदा इसमें इन्वॉल्व है तो वो हर एक बंदा अपने एक हिस्से का जो है वो काम इसमें ऐड करेगा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है दैन देर शुडेंट बी एनी जेलसी फॉर ईच अदर बट दे शुड डिपेंड ऑन ईच अदर्स वर्क पॉजिटिवली और कोऑपरेशन दिस इज़ द यू नो थीम ऑफ दिस कोऑपरेटिव लर्निंग और कोऑपरेट करने से बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो शेयर करना भी सीखते हैं और टीम वर्क जो है वो भी सीखते हैं